बात करेंगे हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रोल सिस्टम में ओपन लूप सिस्टम और क्लोज लूप सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे। इनके बीच में जो डिफरेंशिएशन है इनको समझने की कोशिश किया जाएगा। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं कि कंट्रोल सिस्टम को क्लासिफिकेशन की, तो कंट्रोल सिस्टम यहाँ पर आता है आपका ओपन लूप सिस्टम और क्लोज लूप सिस्टम। तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम की अगर बात करते हैं तो आप इतना समझ लीजिए कि ये जो होगा वो नॉन फीडबैक कंट्रोल सिस्टम होगा, दैट इज़ अनमॉनिटर्ड होगा और नॉन फीडबैक कंट्रोल सिस्टम इन्वॉल्व होगा इसके अंदर। जबकि क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम की बात करेंगे तो वो हमेशा से क्या होगा, मॉनिटर्ड होगा, वो हमेशा मॉनिटर्ड होगा और फीडबैक कंट्रोल सिस्टम होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि दिस इज द कंपेरिजन बिटवीन द ओपन लूप एंड क्लोज लूप सिस्टम। पहला, ओपन लूप सिस्टम क्या होता है, लेस एक्यूरेट होता है। क्लोज लूप सिस्टम जो होता है वो मोर एक्यूरेट होता है। ओपन लूप सिस्टम जनरली हम लोग क्या होता है, आसान होता है बनाना, ईजिली बिल्डअप हो जाता है, जबकि क्लोज लूप जो होता है वो कॉम्प्लिकेटेड और कॉस्टली होता है, क्योंकि इसमें लोग वेरियस फीडबैक सिस्टम यूज़ करते हैं। इसकी स्टेबिलिटी हम कैन बी इंश्योर हो सकती है, लेकिन मे बी बिकम, ये जो होगा क्लोज लूप सिस्टम मे बिकम अनस्टेबल एट टाइम्स। प्रेजेंस ऑफ नॉन लिनियरिटीज कॉज वेल फंक्शनिंग एंड इट इज़ यूजली परफॉर्म एक्यूरेटली इवन इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन लिनियरिटी। फिफ्थ बात कर लेते हैं, तो ओपन लूप सिस्टम में क्या होगा कि एनी चेंज इन द सिस्टम कंपोनेंट कैन नॉट बी टेकन केयर ऑफ ऑटोमेटिकली। इसमें कोई भी सिस्टम में कंपोनेंट में चेंज हो रहा है, कैन नॉट बी टेकन केयर ऑफ ऑटोमेटिकली। जबकि इसमें क्या होगा, चेंज इन द सिस्टम कंपोनेंट ऑफ इज ऑटोमेटिकली टेक केयर, इसमें ऑटोमेटिकली टेक केयर, द चेंज इन द सिस्टम कंपोनेंट इज ऑटोमेटिकली टेक केयर ऑफ। सिक्स पॉइंट की बात करते हैं, तो इनपुट कमांड इज़ द सोल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द कंट्रोल एक्शन। इसमें जो होगा सिक्स पॉइंट में, द कंट्रोल एक्शन इज़ प्रोवाइडेड बाय द डिफरेंस, किसके बीच का डिफरेंस, बिटवीन द इनपुट कमांड एंड करस्पॉन्डिंग आउटपुट। किसके बीच का डिफरेंस, इनपुट कमांड और करस्पॉन्डिंग आउटपुट के बीच का डिफरेंस जो होगा वो आएगा इसमें। सेवन्थ पॉइंट, द कंट्रोल एडजस्टमेंट डिपेंड्स करेगा अपॉन हुमन जजमेंट एंड एस्टिमेट पर, हुमन जो भी जज कर रहा है और उसकी जो एक्चुअल वैल्यू वो डिज़र्व कर रहा है उसके हिसाब से ये क्या होगा, कंट्रोल एडजस्टमेंट होगा। इसमें कंट्रोल एडजस्टमेंट जो होता है वो डिपेंड करता है ऑन आउटपुट और फीडबैक एलिमेंट पर। तो हम लोगों ने डिफरेंस समझा है कि ये लेस एक्यूरेट होता है, ये मोर एक्यूरेट होता है, ये जनरली बिल्डअप ईजिली हो जाता है, ये कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसकी स्टेबिलिटी हम इंश्योर कर सकते हैं, इसकी स्टेबिलिटी हम इंश्योर नहीं कर सकते हैं। प्रेजेंस ऑफ नॉन लिनियरिटीज होता है, ये परफॉर्म एक्यूरेटली इवन इन प्रेजेंस ऑफ नॉन लिनियरिटी में भी, और कोई भी चेंज होता है सिस्टम कंपोनेंट में तो कैन नॉट बी टेकन केयर ऑफ ऑटोमेटिकली। इसमें जो होता है सिस्टम कंपोनेंट में चेंज होता है वो ऑटोमेटिकली टेकन केयर। इनपुट कमांड इज द सोल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल प्रोवाइडिंग द कंट्रोल एक्शन, इसमें जो होगा कंट्रोल एक्शन जो होगा इज प्रोवाइडेड बाय द डिफरेंस बिटवीन द इनपुट कमांड एंड द करस्पॉन्डिंग आउटपुट में। सेवन्थ, द कंट्रोल एडजस्टमेंट डिपेंड्स अपॉन ह्यूमन जजमेंट एंड एस्टिमेट, और इसमें कंट्रोल एडजस्टमेंट डिपेंड्स ऑन द आउटपुट एंड फीडबैक एलिमेंट। तो एग्जांपल की बात कर लेते हैं, तो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन जो है ओपन लूप सिस्टम का एग्जांपल है, इलेक्ट्रिक स्विच ओपन लूप सिस्टम का एग्जांपल, एंड ऑटोमेटिक टोस्टर इज द ओपन लूप एग्जांपल। तो ऑल द कंट्रोल सिस्टम ऑपरेटेड बाय द प्रेजेंट टाइमिंग मैकेनिज्म आर ओपन लूप। क्लोज लूप की बात करते हैं, तो जहाँ पर फीडबैक इन्वॉल्व हो जाता है, दैट इज लिक्विड लेवल कंट्रोल सिस्टम, ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम एंड ह्यूमन बींग रीचिंग फॉर एन ऑब्जेक्ट। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ क्लोज लूप सिस्टम।